जय हिंद जय भारत। काफ़ी दिनों से मैं न्यूज़ में देख रही हूँ कि ये जो कैजुअल है वो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की थी, लेकिन मुझे लगता है ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि लीडर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम भूखे रहें या ना रहें। कुर्सी मिलते ही इनके दिल पत्थर के हो जाते हैं। गांधी जी ने भूखे रहकर अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी, लेकिन मुझे लगता है ये लोग तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा जालिम हैं। 5 साल तक गरीब का खून चूस चूस के फिर आ जाता है इलेक्शंस का टाइम। कभी गरीब के घर खाना खा लिया ये साबित करने के लिए कि हम गरीब के साथ हैं, और कभी पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करने का नाटक करके यह साबित कर दिया कि हम बहुत बड़े सन्यासी हैं। कभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया, और कभी मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ। एक तरफ आपका ये नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ आप एक गरीब की बेटी से उसका हक छीनते हैं। वाह रे वाह मेरी देश की सरकार। एक तरफ आप आतंकवादियों को नौकरी देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये जो बेचारे 25-25 साल से नौकरी कर रहे हैं उन पे तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनकी प्रॉब्लम तो आप सुनना तक नहीं चाहते। जिस उम्र में हमें पढ़ना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए, उस उम्र में हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इस बार हम अपना हक मांगेंगे नहीं, अपना हक छीन के लेंगे, और ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। जय हिंद जय भारत।